नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये एक फीमेल है और इनकी एज है 32 ईयर्स, और ये जानना चाहती हैं कि क्या इनको नेम फेम मिलेगा और क्या ये अब्रॉड जा पाएंगी। ये बिज़नेस करती हैं तो बिज़नेस क्या इनके लिए शुभ रहेगा और आगे परिवार में सब ठीक रहेगा क्या, कुछ इस प्रकार के इनके क्वेश्चन हैं। तो आइए ढूंढते हैं इनके क्वेश्चंस का आंसर। तो जैसे कि हाथ में देखें, अगर बिज़नेस की बात करें तो बड़ी अच्छी सी लाइन है, ये देखें बड़ी अच्छी सी सीधी लाइन जा रही है। तो जब इतनी अच्छी बुद्ध रेखा हो, बिज़नेस रेखा हो, तो इंसान को बिज़नेस करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बहुत अच्छी रेखा है, तो बिज़नेस तो इन्हें हर हाल में करना चाहिए। अब दूसरी चीज़ की, जैसे इन्होंने पूछा नेम फेम के बारे में, तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखें सन माउंट पर, तो ये देखिए बड़ा अच्छी सी रेखा इस प्रकार से यहाँ तक जा रही है और इनको काफ़ी अच्छा नेम फेम मिलेगा। अगर हम ये देखें इनको अराउंड 38-40 के आसपास काफ़ी अच्छा नेम फेम के चांसेस दिखते हैं। और यहाँ हाथ में भी एक मुझे नक्षत्र दिखता है इनके हाथ में, ये इस प्रकार से नक्षत्र का चिन्ह है। तो जब ऐसा तारा या नक्षत्र का चिन्ह हो तो इंसान को बहुत नेम फेम मिलता है, यानी कि लाइफ लॉन्ग नेम फेम मिलना, दूर दूर तक नेम फेम मिलना, इस तरह का नेम फेम होता है और अच्छे पैसे भी कमाता है इंसान। अब देखिए यहाँ पर कुछ जो कुछ रेखाएं निकल रही हैं इस प्रकार से, तो ये कोई ऐसा वर्क दिखाती हैं कि जैसे किसी MNC के साथ जुड़ना, किसी वेबसाइट के साथ जुड़ना या ऑनलाइन वर्क करना, इस तरह के योग भी दिखाती है। और ये चंद्र पर्वत से निकल रही है तो जैसे कि वर्ल्ड वाइड डीलिंग करना, कुछ इस तरह की चीज़ें भी रिफ्लेक्ट करती हैं। तो और यहाँ पर हाथ में एक ट्रायंगल भी दिखाई देता है, तो ऐसे में इंसान को कहीं ना कहीं एक अवार्ड भी मिलता है। तो ये बड़ा अच्छा इनके हाथ में चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, तो काफ़ी अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। मतलब इनका जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हाथ में काफ़ी अच्छे ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स हैं, तो इनको बिज़नेस करते रहना चाहिए और बिज़नेस में आगे इनको काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। और एक चीज़ मैंने हाथ में नोटिस करी यहाँ पर, ये देखिए इस प्रकार से ये बड़ा सा चिन्ह मुझे मछली का दिखाई पड़ा। तो जब ऐसा बड़ा मछली का चिन्ह हाथ में हो तो इंसान बहुत पैसा कमाता है, बहुत पैसा। और देखिए थोड़ा सा जो मछली का चिन्ह है यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे होता हुआ, ये देखिए बिल्कुल क्लियर कट मछली का साइन है यहाँ पर। तो ये ऐसी बड़ी मछली जब हाथ में होती है तो इंसान के जीवन में जब मौके आने शुरू होते हैं तो कहते हैं ना जैसे कि इसकी तो निकल पड़ी, कुछ इस प्रकार से चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। तो 35 के आसपास अगर हम देखें, 33 से 35 के आसपास से ग्रोथ दिख रही है और आगे तक काफ़ी लंबी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई देती है। तो ये ग्रोथ जीवन भर वर्ष चलने वाली है। थोड़े बहुत एक दो डिस्टर्बेंसेस दिखते हैं, कोई रेखाओं का थोड़ा बहुत हल्के हल्के खर्चे हैं, खर्चे जीवन का पार्ट है हमारे, तो बाकी बहुत अच्छा इनके हाथ में रिफ्लेक्शन होता है। और ये कुछ राइटिंग का भी इंडिकेशन देती है, देखिए मस्तिष्क रेखा दो पार्ट में आ जाना, कोई राइटिंग का वर्क करना, कोई आर्टिकल्स लिखना, कुछ बुक लिखना, कुछ भी इस प्रकार की राइटिंग हाथ में होना, तो ये चीज़ बड़ा अच्छा रिफ्लेक्ट कर रही है हाथ में। तो हाथ में काफ़ी अच्छे गुण हैं, एक तरह से काफ़ी ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स हैं, हाथ में आगे बढ़ने के बहुत अच्छे योग हैं, काफ़ी नेम फेम सक्सेस दिखाई देता है। और एक चीज़ और है यहाँ पर सूर्य पर्वत पर, जैसे नक्षत्र का चिन्ह हमें दिखाई दिया था, उसके बाद यहाँ पर एक मछली का चिन्ह भी दिखता है, तो वर्ल्ड वाइड नेम फेम भी दिलवाता है, नेशनल लेवल का नेम फेम, इंटरनेशनल लेवल का नेम फेम, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। तो हाथ में काफ़ी अच्छे चिन्ह हैं, बहुत बढ़िया हाथ है अगर हम देखें, अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बहुत इस हाथ में एक तरह से बहुत बल है। तो जीवन में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इन्हें, और जीवन में अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी और ये आगे बढ़ती रहेंगी। इन्हें अब अपने बिज़नेस को लेके, अपने और अपने फ्यूचर को लेके टेंशन लेना बंद कर देना चाहिए। चलिए अब देखते हैं और चीज़ों के बारे में। फॉरेन जाने का पूछा था इन्होंने, फॉरेन में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और गुदगुदा होना चाहिए था चंद्र पर्वत, तो वो अभी फ़िलहाल इसमें मैं नहीं दिखाई देता कि फॉरेन कंट्री में रहने के लिए थोड़ा सा गुदगुदा सा हो, थोड़ा मासल सा, कि जैसे एक होता पफ़ी टाइप, हमें कहना चाहिए फ्लफ़ी पफ़ी, इस टाइप का सा जिसमें सूजन सी आ जाए, इस तरह का योग हाथ में अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा।
परंतु विदेश से इनकम इनको होने के चांस अच्छे खासे हैं और विदेश से लाभ इन्हें खूब मिलेगा। अगर हम इनके हैंड को देखें तो पिंक कलर का काफ़ी सुंदर सा पाम है और ऐसा पाम धन को अट्रैक्ट करता है। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो ये रेक्टेंगुलर पाम है। ये जब भी पाम रेक्टेंगुलर होता है ऐसे लोग मेंटल वर्क बहुत करते हैं, मेंटल वर्क यानी कि सोचने का काम बहुत करते हैं, बहुत प्लानिंग्स करते हैं, नए नए आइडियाज़ डेवलप करते हैं, तो ऐसे लोग का दिमाग पूरी तरह से एंगेज रहता है। और ये देखिए इनकी मस्तिष्क रेखा भी इस चीज़ को दिखाती है कि पूरी तरह सोचते रहना, पूरी तरह से माइंड का एक तरह से फुल फ्लैशली वर्किंग करना, तो इस तरह से मेंटल वर्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो इस पिक्चर में थोड़ा सा कम क्लियर है, लेकिन एम का चिन्ह अच्छा खासा इनके हाथ में दिखाई देता है। जब भी एम का चिन्ह हाथ में अच्छा सा होता है तो देखिए धन का कारक होता है। और हाथ में देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा से मिलके बनता है, तो जब चारों रेखाएं मजबूत होती हैं तो इंसान के जीवन में भी मजबूती आती है और इंसान को धनवान बनाने में हेल्प करती हैं। अब हाथ में यहाँ पर अगर माउंट्स की बात करें तो मंगल पर्वत अच्छा है, बुध पर्वत अच्छा है और सूर्य का पर्वत अच्छा है और शुक्र भी काफ़ी अच्छा है, तो ये चार पर्वत इनके काफ़ी बढ़िया हैं। और इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम वीडियो के बीच में करेंगे जब हम माउंट्स पर आएंगे। अब हाथ में अगर देखें तो यहाँ पर ट्रायंगल की स्थिति, तो यहाँ पे इंटरनल ट्रायंगल भी अच्छा खासा है, बाहरी ट्रायंगल भी अच्छा खासा बना हुआ है। और अगर हम देखें तो एसेट्स की, धन की तिजोरी की जो सिचुएशन है वो भी अच्छी खासी है। और हाथ में यहाँ पर जीवन का ग्राफ अगर हम देखें तो जीवन का ग्राफ इस प्रकार से चल रहा है, यानी कि अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना, अपने आप को एक आगे बढ़ोतरी देना और समाज में मुकाम हासिल करना, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ से लेके ये यहाँ तक सीधा चला आ रहा है, यानी कि ये होता है ऐसे लोग जब तक जीवन है तब तक काम करेंगे, रुकना नहीं पसंद करते ऐसे लोग। अब हाथ में यहाँ पर देखें उंगलियों की शेप, तो ये देखिए ये फर्स्ट फिंगर इस तरह से सीधी है, थोड़ी सी मिडिल फिंगर की ओर टिल्ट हो रही है, लेकिन ऐसे लोग भगवान में भी आस्था रखते हैं लेकिन साथ में कर्म को भी काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। उनको लगता है कि नहीं, कर्म करना बहुत ज़रूरी है, कर्म के बिना कुछ नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा कर्म के ऊपर भी डिपेंड होते हैं, कर्म को बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं। अब हाथ में देखें छोटे छोटे झरोंके से दिखाई देते हैं, ऐसे लोग खर्च करने के भी शौकीन होते हैं, या यूँ कहिए कि थोड़ा खर्चे का लगा रहना और खर्च करना, शॉपिंग करने का शौक रखते हैं। अब हाथ में देखें यहाँ पर इन दोनों फिंगर्स को, तो दोनों फिंगर लगभग बराबर हैं, तो ऐसे लोगों में टैलेंट और क्रिएटिविटी भी अच्छी खासी होती है और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अच्छी होती हैं, तो दोनों चीज़ों का तालमेल अच्छा खासा बैठता है। अब देखिए यहाँ पर एक तिल दिखाई देता है सूर्य की फिंगर पर, तो ऐसे में इंसान को जीवन में कभी ना कभी किसी के द्वारा इल्ज़ाम लगाया जाता है, कोई इन पर जैसे इल्ज़ाम लगा दिया या पीठ पीछे बुराई सहन करनी पड़ती है ऐसे लोगों को, या जैसे कोई काम इन्होंने करा ही नहीं लेकिन फिर भी उस काम का इल्ज़ाम इन पर लग जाना। तो ये तिल छोटा सा तिल है तो लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं देगा, फिर भी लेकिन कभी ना कभी होता है कि कोई ना कोई बदनामी इंसान को सहन करनी पड़ जाती है पारिवारिक समस्या के बीच में या घर परिवार में। अब हाथ में यहाँ पर देखें छोटी फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक आते आते रुक गई है, तो ऐसे में इंसान के अंदर थोड़ी सी केयरलेसनेस होती है, कई बार इंसान सोचता है हाँ देखेंगे, सोचेंगे, कर लेंगे, इस तरह की थोड़ी सी सोच होती है ऐसे में। और कई बार इंसान टलाने की आदत होती है कि हाँ कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस तरह का थोड़ा सा नेचर पाया जाता है। अब हाथ में देखें दूसरी पिक्चर लेते हैं, यहाँ पर देखें तो देखिए एक टेंटेड आर्च दिखाई देता है। ऐसे लोग अपने आप को हमेशा अपडेट रखने में पसंद करते हैं, अपनी नॉलेज को अपडेट रखना, अपने आप को अपडेट रखना, ऐसे लोग आगे बढ़ोतरी में विश्वास करते हैं कि नहीं मुझे जीवन में एक टॉप मुकाम पे पहुंचना है। अब आते हैं शनि फिंगर की ओर, शनि फिंगर पे भी हमें एक टेंटेड आर्च दिखाई देता है,
ऐसे लोगों के जीवन में कितनी परेशानियां क्यों ना आए, लेकिन वो अपने आप को संभालना जानते हैं। और अगर कोई परेशानी आती है तो ऐसे लोग जीवन में ये कहिए कि उस परेशानी का बड़ा मुंह तोड़ हल भी ढूंढते हैं कि जिससे वो दोबारा आए तो दोबारा कैसे सामना किया जाए। अब हाथ में यहाँ पर सूर्य की फिंगर पर एक हमें उल्लन लूप दिखाई देता है। तो जब भी ये उल्लन लूप होता है इंसान के जीवन में, इंसान बहुत कोशिश करने के बाद, ये कहिए कि कोशिशें जो वो करता है वो सफल भी होती हैं, तो इस प्रकार के चिन्ह दिखाई देता है। और यहाँ पर इनकी उंगली पर तिल भी है, तो वो थोड़ा सा इनको, जैसे कि बताया था, डिस्टर्ब करेगा। अब आते हैं यहाँ पर इस फिंगर पर, तो यहाँ पर भी उल्लन लूप दिखाई देता है। तो फाइनेंस के मामले में इंसान जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें पाता है कि फाइनेंस को ठीक से रख रखाव न करना, अननेसेसरी खर्च कर देना पैसे को, पैसे की एक तरह से सही यूसेज कम हो पाना, इस तरह की इंडिकेट करता है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर भी अंगूठे पर उल्लन लूप दिखाई देता है। ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, जल्दी लोगों की बातों में आ जाना, उनके गलत डिसीजन ले लेना, या कई बार किसी ने उधार मांगे पैसे तो उसको उधार दे दिया, किसी ने दो आंसू रोए तो मदद के लिए दौड़ पड़े, बाद में पता चला कि उसने ही उनको धोखा दे दिया। इस तरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जीवन में आती हैं, तो जल्दी किसी पर विश्वास करने की टेंडेंसी होती है। अब चलते हैं पर्वतों की ओर। अब देखिए पर्वतों में, गुरु पर्वत पर देखें तो यहाँ पर एक वलय बना हुआ है, तो ऐसे में इंसान के अंदर स्पिरिचुअलिटी भी होती है। और ऐसे लोग जीवन में, ये कहिए जीवन क्या है, अध्यात्म, सब इन सब में काफ़ी ज़्यादा उनका झुकाव होता है। और यहाँ पर हाथ पर ये पिक्चर में थोड़ा सा क्लियर कम हो रहा है पर, लेकिन ये स्टार टाइप का ऐसा लग रहा है कि स्टार फॉर्मेशन हो रही है। तो ये अकस्मात धन लाभ के योग भी बनाता है, बहुत अच्छा माना जाता है स्टार। कोई लॉटरी निकलना, कोई अकस्मात धन लाभ के योग मिलना, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाना, इस तरह के योग जीवन में बनाता है। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये फिश साइन बना हुआ है, तो जब भी ऐसा फिश साइन बनता है तो ऐसे में इंसान अपनी, ये कहना चाहिए, ओल्ड एज लग्जरियस रहती है। ओल्ड एज में सब सुख सुविधा के साधन उनको मिलते हैं, रुपए पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती, नौकर चाकर रुपए पैसे से हर चीज़ से उनका बढ़िया एकदम मामला फिट रहता है। अब हाथ में यहाँ पर शनि पर्वत को देखें तो एक तरह से फ्लैट है। जब फ्लैट शनि पर्वत होता है, इंसान अपने जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं अपने बलबूते पे उनको पार पा ही जाता है। अब हाथ में यहाँ पर देखें, इधर सूर्य पर्वत पर, सूर्य पर्वत जैसे कि हमने देखा था, अच्छा सूर्य पर्वत है। देखिए यहाँ पे दो तरह की रेखाएं निकल रही हैं, तो एजुकेशन लाइन यानी कि दो फील्ड में एजुकेशन होना, या दो फील्ड की नॉलेज होना, दो अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज रखना, क्वालिफिकेशंस रखना, इस तरह से उनके अंदर प्रतिभा होती है। और हर वक्त निरंतर जब इतनी लंबी लंबी रेखाएं हो तो कुछ ना कुछ जीवन भर सीखने में लगे रहते हैं। उनको ऐसा नहीं होता कि स्कूलिंग कॉलेज सब खत्म हो गया तो बस पढ़ाई खत्म हो गई, वो कुछ ना कुछ अपने आप को ग्रो करने में, अपडेट करने में, किसी भी तरह, चाहे शॉर्ट टर्म कोर्स आगे ज्वाइन करें, नए नए कोर्सेज ज्वाइन करना, नए नए आर्टिकल पढ़ना, इस तरह के शौक रखते हुए अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। अब जैसे कि हमने हाथ में यहाँ पे देखा था अच्छे चिन्हों के बारे में, तो काफ़ी इसके बारे में वीडियो में पहले बता चुके हैं। और यहाँ पर देखें तो अब चलते हैं बुद्ध पर्वत की ओर। तो बुद्ध पर्वत पर देखिए, एक तो एपेक्स का चिन्ह है, इंसान का कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है, और कई बार ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है एस्ट्रोलॉजी में, फाइनेंस में, कम्युनिकेशन में और कंप्यूटर्स में, या इन तीनों चारों फील्ड में से इनके अंदर बड़ा अच्छा इनके अंदर गुण पाए जाते हैं। और कई बार ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। देखिए तीन चार रेखाएं हैं, ऐसे लोगों का व्यवहार बड़ा हमदर्दी भरा भी होता है। और ऐसे लोग कई बार होता है कि लोगों की हेल्प करते हैं, एक तरह से मोटिवेशनल स्पीकर होना, हीलर होना, या कई बार होता है कि इंसान चिकित्सा क्षेत्र में भी कई बार कार्य करता है। तो और यहाँ पर इतनी लंबी रेखा होना
तो ये बिज़नेस का अच्छा खासा कारक है, कोई कंसल्टेंसी वर्क करना या बिज़नेस करना तो बहुत अच्छा ये सपोर्ट करता है हैंड। अब हाथ में आते हैं मंगल पर्वत की ओर, तो मंगल पर्वत अच्छा खासा डेवलप्ड है। ऐसे में इंसान जीवन में एक ये काफ़ी बोल्ड होता है, बहुत हिम्मती और साहसी होता है। यहाँ पर एक रेखा कुछ इस प्रकार से निकलती हुई दिखाई दे रही है मंगल पर्वत की ओर, तो ये पूर्व पुण्य रेखा होती है, यानी कि जैसे कि नाम है इसका पूर्व पुण्य, यानी पूर्व जन्म के जो पुण्य करे गए हैं उनका फल इस जन्म में प्राप्त करना। तो ये रेखा बहुत अच्छी है इनके हाथ में। और यहाँ पर देखें तो जैसे कि अब हम चलें चंद्र पर्वत की ओर, और देखिए मस्तिष्क रेखा की काफ़ी सारी ब्रांचेज यहाँ पर आ रही हैं, तो उनका हम आगे वीडियो में जब लाइंस पर आएंगे तब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक वाया लास्विया लाइन बनी हुई है, तो ये लाइन ऑफ डिज़ायर्स है। बाकी चंद्र पर्वत देखें तो अच्छा खासा है, और विदेश जाने के लिए घेराव अच्छा होना चाहिए, थोड़ा जैसे हमने बताया फ्लफ़ी होना चाहिए, पफ़ी होना चाहिए, तो वो चीज़ थोड़ी कम दिखाई देती है। अब हाथ में आते हैं शुक्र पर्वत की ओर, यहाँ पर देखिए शुक्र पर्वत पर, और देखिए यहाँ पर एक छोटी सी पतली सी मछली दिखाई देती है। ये मछली बहुत शुभ होती है, जब केतु पर्वत पर होती है तो ये इंसान को अचानक से धन लाभ के योग कराती है। जीवन में कोई नई बड़ी अपॉर्चुनिटी अचानक से आना, यानी कि कोई नया आइडिया डेवलप होना जिससे कि आगे लॉन्ग लाइफ बेनिफिट मिले, कोई ऐसी चीज़ अचानक से फॉर्म करना इंसान के ही जीवन में, और ये मिडिल एज में ज़्यादा करता है। ये जैसे 35 से लेके 55 तक की एज में कुछ ऐसा नया वो आता है कि इंसान के जीवन में टोटली बदल जाता है, तो ये 35 के आसपास से आप ये समझिए एक्टिवेट हो जाता है और इंसान को फल देना शुरू कर देता है। तो ये बहुत बढ़िया शुभ साइन है मछली का, और ये इनको जीवन में काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचाना और लाभ दिलवाएगा। और ये देखिए जैसे कि हमने बताया था ये बड़ी मछली, ये भी बहुत बढ़िया चिन्ह है हाथ में। और हाथ में अब देखते हैं शुक्र पर्वत पर, तो शुक्र पर्वत अच्छा खासा घेराव है, अच्छा फ्लफी शुक्र पर्वत है। तो ऐसे में अगर लेडी के पाम में हो तो शॉपिंग करना, घूमना फिरना, अच्छे कपड़े पहनना, वेल ग्रूम्ड रहना, तो ऐसे शौक लेडी के होते हैं। अपने आप को नई नई ड्रेसेस, ज्वेलरी, इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा शौक रखते हैं। अब हाथ में आते हैं अंगूठे की ओर, यहाँ पर थंब में देखें तो अच्छा खासा थंब है। देखिए यहाँ पर पीछे की ओर भी झुकाव है, काफ़ी एडजस्टेबल नेचर की होती हैं ऐसी लेडीज़, अपने परिवार के टूवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा समर्पित होना, अपने परिवार का ध्यान रखना, और ऐसे में इंसान पीछे की ओर झुकने का मतलब है हर तरह से हर कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेना। थोड़ा सा यहाँ पर विल पावर वाले एरिया में कट्स दिखते हैं, यानी कि विल पावर कमज़ोर पड़ जाती है, थोड़ा सा इन्हें इस चीज़ पर वर्क करना चाहिए, विल पावर को अपनी कंट्रोल करें, मजबूत करने की सोचनी चाहिए। तो उसके लिए हम इनको रिकमेंड करेंगे कि अपना ओम का उच्चारण करें मॉर्निंग में, जिससे कि इनकी जो नेगेटिविटी है आसपास की तो वो रिमूव हो। ऐसे में जब इस टाइप की लाइन्स होती हैं तो इंसान कोई काम करने जा रहा होता है और कोई टोक देता है कि अरे क्या ज़रूरत है, या तुम बेकार इतने परेशान हो रहे हो, तो ऐसे में इंसान की विल पावर कमज़ोर पड़ जाती है और वो सोचता है हाँ मैं क्यों वाकई में इतना टेंशन ले रही हूँ, देखा जाएगा फिर कभी कर लेंगे, तो इस तरह से चीज़ें टलना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में विल पावर जब कमज़ोर पड़ती है, नेगेटिविटी सराउंडिंग में आ जाती है, तो ओम का उच्चारण करने से चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ आती हैं, नेगेटिविटी रिमूव होती है, और जब हमारी विल पावर काफ़ी अच्छी होती है तो हम बहुत कुछ कर ले जाते हैं। और जब हम जो भी जैसे कि होता है कि जो भी हम परिश्रम करते हैं परिश्रम का फल मीठा होता है, तो परिश्रम किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। तो ये विल पावर जब स्ट्रांग हो जाएगी इनकी तो काफ़ी अच्छा फल इनको जीवन में प्राप्त होगा। तो और प्लानिंग ये काफ़ी अच्छी कर लेती हैं, प्लानिंग करना, लॉजिक लगाना काफ़ी अच्छा इनके हाथ में गुण दिखाई देते हैं। और अब चलते हैं लाइंस की ओर, देखिए लाइंस में यहाँ पर इस तरह से हाथ में चल रही है, यानी कि काफ़ी पहले से ही एक इंडिपेंडेंट नेचर रखना, काफ़ी आगे से ही लाइन देखिए मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा काफ़ी पहले से ही अलग होना शुरू हो गई, यानी कि परिवार से बहुत पहले से ही बचपन से जैसे होता है कि इंडिपेंडेंट सोच रखना, अलग सोच रखना, अपनी मदर से भी थोड़ा सा कई बार होता है टर्म्स कम अच्छे होते हैं या थोड़ा सा विचार कम मिलना, ऐसे में ये भी प्रॉब्लम आती है, और परिवार से अलग सोचना, कुछ बड़ा सोचना, इस तरह के विचार देखे जाते हैं। अब हाथ में देखें यहाँ पर कुछ
उन्नति की रेखा भी दिख रही है, तो कुछ तरक्की भी जीवन में मिली होगी, 22-23 वर्ष में भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ में आई होंगी। यहाँ पर देखें तो रेखा इस तरह से चल रही है, काफ़ी बारीक रेखाएं हैं इनकी हाथ में, तो चीज़ें बड़ी मुश्किल से क्लियर हो रही हैं। यहाँ पर देखिए रेखा इस तरह से है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रेखा पर दबाव है, जैसे कि टेंशन ज़्यादा लेना, परेशान ज़्यादा रहना चीज़ों को लेके, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन्नति की रेखाएं हाथ में कदम कदम पे, देखिए छोटी छोटी उन्नति की रेखाएं बीच बीच में चल रही हैं। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि अगर हम देखें तो 35 के आसपास से काफ़ी ज़्यादा उन्नति जीवन में आनी शुरू हो जाएगी, और हर एक एक साल में, दो दो साल में उन्नति आती रहेगी, तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है इनके हाथ में। और हाथ में देखें यहाँ पर एक गाइडिंग लाइन भी दिखाई देती है, ये किसी का बड़ा सपोर्ट होना हाथ में, काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी गाइडिंग लाइन है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हाथ में जब ऐसी रेखा हो, गाइडिंग लाइन हो, तो किसी का सपोर्ट बनता है, यानी कि अगर हम देखें तो 25 के आसपास से किसी का सपोर्ट शुरू हुआ और आगे जीवन भर चलता रहा सपोर्ट, यानी 70-75 तक सपोर्ट चलता रहा, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब हाथ में भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा में जैसे हमने देखा था यहाँ से शुरू हो रही है और ये दो में डिवाइड होना, यानी डुअल इनकम के योग बनना, और ये देखिए इस तरह से ये बार बार इस तरह से आना, यानी कि जो हमने बताया था फॉरेन कंट्री से लाभ मिलना, कोई ऑनलाइन वर्क करना इस तरह से। अब यहाँ पर देखा जाए तो जैसे कि ये डुअल इनकम हुई और ये हमने देखा था फिश का साइन में रूप ले रही है, फिश के साइन का, तो ये लाभ तो कराएगी ही। आगे भी देखें तो ये भाग्य रेखा बड़ी स्ट्रांग हो रही है और ये फिर से एक फिश का साइन का रूप ले रही है, तो ये बड़ा अच्छा साइन है। हाथ में भाग्य रेखा को प्रबल बल मिलता है, एक तरह से काफ़ी अच्छा लक्ष्मी योग हाथ में क्रिएट होता है, ऐसे में इंसान को धनवान बनाता है, लग्जरियस बनाता है, और रुपए पैसे की दूर दूर तक कोई कमी नहीं होती, एक तरह से इंसान के जीवन का टर्निंग पॉइंट आ जाता है। तो ये आएगा टाइम इनका जैसे कि 35 के आसपास से, अभी चीज़ें शुरुआत हुई होंगी, अभी शायद भले ही बहुत अच्छा रिटर्न ना दे रही हों, मीडियम चल रहा हो सब कुछ, या कई बार इंसान के मन में आता है हम कर तो रहे हैं, कुछ होगा भी आगे इसका या ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन कहते हैं कि की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन ये बहुत बढ़िया फल इनको देने वाला है जिसके बारे में इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, इतना अच्छा फल इनको मिलने वाला है। खैर अब चलते हैं आगे मस्तिष्क रेखा की ओर। मस्तिष्क रेखा में यहाँ से चली और इस तरह से दो में डिवाइड हो रही है, और भी डिवाइड हो रही है, तो ये जैसे राइटर्स का एक इंडिकेशन देती है, कोई राइटिंग करना, कोई आर्टिकल्स लिखना, कुछ इस तरह से ये क्रिएटिविटी की ओर बढ़ाना, यानी कि दिमाग का एक्सप्लोरेशन हो जाना, तो ये 35 के आसपास से, 33 से लेके 35 के आसपास से शुरुआत होगी और 38-40 तक आते आते ये बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले लेगी, बड़ा कुछ नया करना शुरू हो चुका होगा। और यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ तक मस्तिष्क पर दबाव है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है, कई बार ओवर थिंकिंग की वजह से भी ऐसी रेखा हो जाती है, जंजीर नुमा रेखा हो रही है, ओवर थिंकिंग की वजह से हो जाती है, ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से हो जाती है, तो इसके लिए हम इनको बोलेंगे मेडिटेशन करें, और जो हमने बताया था ओम का उच्चारण करने से इनको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। होता क्या है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से हाथ में नेगेटिव रेखाएँ आ जाती हैं, कट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो वो कट्स हमें काम, हमारे जो हम काम करते हैं उसको, उसका फल नहीं मिलने देते हमें, ऐसा लगता है कि हम काम तो किए जा रहे हैं लेकिन फल हमें मिल ही नहीं रहा, तो इंसान थकने लगता है। तो ऐसे में जब ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से नेगेटिव लाइंस देखी, छोटी छोटी नेगेटिव लाइंस का आ जाना, तो ये अच्छी अच्छी रेखाओं को भी काट देते हैं, जैसे सूर्य रेखा को काट दिया, भाग्य रेखा को काट दिया, तो इंसान कदम कदम पर रुकावटें आने लगती हैं, तो इसके लिए मेडिटेशन सबसे अच्छी चीज़ है। अब आते हैं हृदय रेखा की ओर। हृदय रेखा पे यहाँ पर ये देखिए इस तरह से चलना और यहाँ पर आके रुक जाना, यानी कि ऐसे लोग देखिए यहाँ से यहाँ इस तरह से, तो ऐसे लोग काफ़ी प्रतिभाशाली होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, हर चीज़ को बड़ा टाइमली पसंद करते हैं, बहुत अच्छे से काम करना, और एक होता है ना हर चीज़ को पंचुअलिटी के साथ एक प्रॉपर मैनर में, बड़े फोकस्ड पर्सन होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग ना तो केयरलेस खुद होते हैं ना केयरलेसनेस पसंद करते हैं। अब ये था इनके राइट हैंड का एनालिसिस, अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर कि देखें लेफ्ट हैंड क्या कहता है। अब देखिए लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ भी हाथ अच्छा है, और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये रेखा यहाँ से निकल रही है, इस तरह से भाग्य रेखा में जाके जुड़ रही है, और मस्तिष्क रेखा दो भाग में बट रही है इस तरह से, और काफ़ी जल्दी बट रही है, यानी कि राइटिंग की आदत होना या कुछ बड़े बड़े आइडियाज़ डेवलप करना, क्रिएटिविटी को
उससे रिलेटेड कुछ वर्क करना, इस तरह की चीज़ें इनके हाथ में दिखाई देती हैं। और यहाँ पर देखें हाथ में तो ये देखिए मछली का इतना बड़ा चिन्ह है, उस हाथ में भी है, इस हाथ में भी है, यहाँ पर भी मछली का इतना अच्छा चिन्ह है, तो ये बड़ा ऑस्पिशियस हाथ है। अगर हम देखें दोनों हाथों में लेफ्ट हैंड से थोड़ा बेटर है राइट हैंड, लेफ्ट हैंड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देखिए ऐसा लगता है किसी अच्छे घर परिवार में पैदा होना, अच्छा परिवार एक तरह से लेफ्ट हैंड रिफ्लेक्ट करता है आपके पेरेंट्स की परवरिश, पेरेंट्स द्वारा दी गई परवरिश कि आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे रखा, कैसी परवरिश दी, इस तरह की सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है। राइट हैंड बताता है जो आप खुद अपने कर्मों द्वारा खड़ा करते हैं, खुद अपने कर्मों द्वारा बनाते हैं जीवन में आके, अपने आप की अपनी सोसाइटी में मान सम्मान इज्जत बनाते हैं, तो वो आप अपने बलबूते पर बनाते हैं। तो राइट हैंड भी इनका काफ़ी अच्छा है, पर फिर भी अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो राइट हैंड बेटर है। इनको काफ़ी मान सम्मान उपलब्धियां बहुत बड़ी बड़ी अच्छी करवाएगा जीवन में, और यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल है उस हाथ में राइट हैंड में, तो इनको कोई ना कोई बड़ा प्राइज ऑनर भी मिलेगा जीवन में। और देखा जाए हाथ हर लिहाज से अच्छा है और जीवन में आगे काफ़ी तरक्की कराता रहेगा। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।